को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह का महानगर आगमन हुआ था। आरएसएस के बैठक हेतु महानगर में पधारे राजनाथ सिंह ने यह बैठक आंतरिक होने की बात कहते दो टुक जानकारी देकर मीडिया के सवालों के जवाब टाल दिए थे। बीजेपी पूरी तरह तैयार है, संघ परिवार पूरी तरह तैयार है, इस मीटिंग में इस विषय पर डिस्कशन होने वाला है कुछ? मैं समझता हूँ कि यहाँ पर इस प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं होता है और जो भी निर्णय होगा भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर निर्णय होगा और उसकी जानकारी आप लोगों को समय समय पर मिलती रहेगी। 14 तारीख से जो पूना में कैंपेन लॉन्च करने वाले हैं राजनाथ सिंह नरेंद्र मोदी जी, तो क्या वो पहल माने जाए लोकसभा चुनाव? नहीं, हमारे यहाँ तो बराबर पूरी कैंपेन की तैयारी हमारी तेजी के साथ चल रही है और काफी हद तक हम लोगों ने उसे पूरा भी कर दिया है। राजनाथ सिंह एमपी में जो हुआ, एक मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा, क्या कहेंगे इसके बारे में? दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन वो एडवर्टाइज इज नॉट पार्टी मेंबर। आप परामर्श करते रहे सर प्रधानमंत्री पद के, और मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि राजनीतिक विषयों पर कोई बहुत चर्चा नहीं होती है। जो भी होता है कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो कि राष्ट्र हितों के साथ जुड़े होते हैं, उन सब सारे मुद्दों पर हम सर मोदी जी आ रहे समझते हैं तो राय परामर्श करते हैं। ये तय किया है कि उत्तराखंड की त्रासदी को देखते हुए मैं कोई जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। सर एक सवाल, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए आडवाणी जी या सुषमा स्वराज जी किसके नाम पर फाइनल हो सकता है? प्रधानमंत्री पद के मैंने आपको समय पर मैं जानकारी दूंगा, आपको अंधेरे में नहीं रखूंगा। सर बोधगया में जो ब्लास्ट हुआ उसके बारे में दिग्विजय सिंह ने जो कहा उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उस पर हमारे स्पोक्स पर्सन का कमेंट आ चुका है और सभी के स्टेटमेंट पर मैं कमेंट नहीं करता हूँ। सर कहा जा रहा है कि आरएसएस के साथ आपकी जो बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री पद के लिए 180 का फॉर्मूला डिसाइड हुआ? नहीं, ये प्रधानमंत्री पद अथवा किसी भी पद के बारे में हम सभी संघ के स्वयंसेवक जब बैठते हैं तो कोई चर्चा नहीं करते। सर यहाँ पे प्रवीण तोगड़िया जी, अशोक सिंगल, सारे हिंदुत्ववादी संगठना के नेता जमावड़ा इकट्ठा हुआ है, तो क्या ये 2014 लोकसभा की कुछ रणनीति बनाने की? नहीं, मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी चुनाव की रणनीति नहीं बनाता है। कई बार जब चुनाव भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपने कार्यक्रम निर्धारित करती है, अपने मुद्दे निर्धारित करती है और आगे बढ़ती है। हाँ, इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से इस समय देश को बहुत अपेक्षाएं हैं, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार की जो फेल्योर रही है, जो विफलता रही है, उसे देश इस समय त्रस्त है। हर मोर्चे पर यह कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट पूरी तरह से विफल रही है, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट हो अथवा इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी फ्रंट हो अथवा डिप्लोमेटिक फ्रंट हो, हर फ्रंट पर पूरी तरह से गवर्नमेंट फेल्योर रही है। अभी ये देखिए, मैंने पड़ोसी देशों के साथ भी जैसे हमारे रिश्ते होने चाहिए, यह सरकार डिप्लोमेटिक स्किल के अभाव में वह बेहतर रिश्ते बनाने में पूरी तरह से विफल रही है। सर उम्मीदवार प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जो कुछ भी है आपको समय पर मैं जानकारी दूंगा। इसी बुधवार को तमाम आंगनवाड़ी सेविकाओं ने काला दिन मनाया। काले वस्त्र और काले झंडे लहराते इन आंगनवाड़ी सेविकाओं ने उन पर हो रहे अन्याय का जवाब मांगा है। मनपा के कामकाज की एक और तस्वीर इस बुधवार को देखने को मिली। शहर में मनपा ने फाइबर निर्मित लेडीज टॉयलेट लगाए हैं। ये लेडीज टॉयलेट जब से लगे हैं तब से अब तक किसी भी टॉयलेट का यूज किसी भी महिला ने नहीं किया। एक तो सड़क के और दिशा पानी का अभाव, यह स्थिति इन टॉयलेटों की थी। अपहार का मामला विवादों में है वह अलग से। इस पर मनपा ने इन टॉयलेटों की दिशा बदलने का काम शुरू कर दिया। कुछ टॉयलेटों की दिशा पलटाई गई तो कई टॉयलेट अब भी जैसे थे ही है। महिला संगठनों ने भी इस व्यवस्थापन का पुरजोर विरोध दर्शाया है। एमएलसी पोटे ये मुद्दा विधान परिषद में एलक्यू के माध्यम से उठाकर जांच की मांग कर रहे हैं। महापालिकेने जे महिलांकरिता जे टॉयलेट खरेदी केले तर ती जर फाईल जर आपण उघडून पाहिली आता ही तर त्याच्यामध्ये जवळपास 4 ते 5 महिने अगोदर माझं स्वतःचं लेटर पॅडवर पत्र लिहिलेलं आहे आणि त्यामध्ये असं नमूद केलं होतं की हे जे तुम्ही टॉयलेट घेता एवढ्या रुपयाची हे घेण्याची आवश्यकता नाही, कारण की मला आठवते की याच्या अगोदर ज्यावेळेस आपले अमरावतीचे खासदार अनंत गुढेसाहेब होते त्यावेळेस गांधी चौक कोर्ट त्याच्यानंतर इथे होटल शेरे पंजाब अशा अनेक ठिकाणी स्पॉट आम्ही त्यावेळेस पाहिले होते आणि जागेच्या अडचणीमुळे काही ठिकाणी बनले आणि काही ठिकाणी नाही झाले। तर यांनी त्याच्यातून युक्ती काढली की अशा पद्धतीचे टॉयलेट शहरामध्ये बसवायचे। आम्ही पत्र दिलं की 2 कोटी 3 करोड रुपये याच्यामध्ये खर्च केल्यापेक्षा जर आपण
प्रस्तावित ज्या काही जागा आहे त्या जागेवर जर सिमेंट काँक्रीटचे चांगलं मार्बल वगैरे लावून जर आपण हे टॉयलेट जर बनवले त्याच्यामध्ये खऱ्या अर्थानं ह्या अमरावती शहरातील महिलांना खऱ्या अर्थानं सोयीचं होईल. पण ती फाईलला पत्र लागल्यानंतर ते कशा पद्धतीनं ते फाईल मंजूर झालं काय झालं हे न कळायच्या अगोदर त्यांनी इकडे टेंडर करून टाक आणि वेळेवर विषय आणून 5-2 अंतर्गत एवढ्या मोठे 2-2.5 कोटीचं टेंडरचं आहे हे 5-2 अंतर्गत घेता येत नाही. याच्यामध्ये हा प्रशासकीय विषय पाठवण्यात आला. पहिली गोष्ट तर अशी आहे की आयुक्तांनी हा प्रशासकीय विषय म्हणून पाठवला कसा आणि 5-2 अंतर्गत किती करोड रुपयाचे किती लाखाचे कामं हे स्थायी समितीमध्ये पाठवले पाहिजे हा एक मोठा विषय आहे. आणि ज्या दिवशी स्थायी समितीची बैठक झाली त्यावेळेस वेळेवर विषय आणला त्या बैठकमध्ये आम्ही नव्हतो. माझं लेटर पॅड आधी त्या फाईलला लागलेलं आहे. याच्यामध्ये टप्पे इंजिनियर आहे, त्याच्यानंतर एक पवारचा एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आहे, त्याच्याशी बोलणं झालं त्यावेळेस आणि त्यांनी ती फाईल बाजूला ठेवून दिली होती आणि अचानक ती फाईल वर काढली. तर आज ते मुत्री लावून कोणत्याही अमरावतीतील महिलांना कोणत्याही त्याचा फायदा नाही. त्याच्यावर पाण्याची व्यवस्था नाही, त्याचे तोंड जर पाहिले तर काल आपल्याच टीव्हीवर जवळपास मला वाटतं दाखवलं की त्यांचे जे चेहरे आहेत ते रस्त्याकडनं गेले आता ते पुन्हा पलटून त्याची बाजू दुसऱ्याकडे करत आहे. तर एक अतिशय मोठा भ्रष्टाचाराचा भाग म्हणा लागेल. आणि जो कॉन्ट्रॅक्टर आहे तो कॉन्ट्रॅक्टर अनेकदा इथं येतो फिरतो, आम्हाला पाहून एक दोनदा तो पळाला सुद्धा इथून. त्याच्यावर चौकशी बसणं गरजेचं आहे. पण मी आता ऐकलं की विधानसभेमध्ये अनेक आमदारांनी याच्यावर एलिगू केलेला आहे, त्यामध्ये काय खरी परिस्थिती आहे ते समोर येईल. दुसरा विषय असा आहे की आम्ही विरोधक म्हणून इथं आवाज उचलला, काही चर्चाही झाली तर अनेक विरोधकांच्या आपल्या काही अडचणी असते, आपल्या परिसराच्या विकासाच्या विकासात्मक दृष्टिकोनातून काही अडचणी असते. त्या अडचणी लक्षात घेऊन कुठं कुठं विरोध हा कम होतो आणि त्याचा फायदा सत्ताधारी हरदम उठत असतात. म्हणून हे जे याच्यावर आता रद्द तर होऊ शकत नाही, पण चौकशी नेमून त्या कॉन्ट्रॅक्टरला दंड आणि प्रशासनानं कशा पद्धतीनं हे मंजूर केलं याची चौकशी व्हायला. इस हफ्ते में मोर्शी के अवैध गैस रिफिलिंग के वक्त हुए ब्लास्ट के मृतकों की संख्या इस हफ्ते 6 पर पहुंच गई. एक एक कर इन जख्मियों ने उपचार दौरान दम तोड़ा. इतने मौतों के बावजूद भी पुलिस महकमा और आपूर्ति विभाग ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो. महकमे का ये रवैया बड़े हानि का कारण बन सकता है, ये निसंदेह. बुधवार को ही महानगरी से भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा का आयोजन संपन्न हुआ. सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ का रथ खींचकर आशीष प्राप्त किए. महानगर के प्रमुख चौराहे से होते ये जगन्नाथ रथ यात्रा निकली थी. सैकड़ों भाविक इस रथ यात्रा में शामिल थे. इस हफ्ते का अगला दिन यानी गुरुवार 11 जुलाई से मुस्लिम धर्मियों के पवित्र रमजान माह की शुरुआत हो गई. इबादत कर दुआएं मांगने का यह पवित्र महीना गुरुवार से शुरू हो गया. अब पूरे माह भर रोजे रखने और नमाज अदा कर दुआ करने का दौर चलते रहेगा. रमजान ईद तक यही माहौल महानगर में रहेगा. गुरुवार 11 जुलाई को जागतिक जनसंख्या दिवस मनाया गया था. स्कूली छात्रों के साथ महकमे ने भव्य रैली निकालकर जनसंख्या के विस्फोट पर जन जागरण किया. विश्व भर में पहले चीन की आबादी सबसे ज्यादा थी, अब भारत चीन की जगह लेने जा रहा है. आगामी 15 सालों में भारत की आबादी चीन को पीछे छोड़ जाएंगी. राष्ट्रकुल संघ के आंकड़े ही इसके प्रमाण है, जिस पर सभी ने ध्यान देना जरूरी है. इस हफ्ते में पुलिस महकमे के आला अफसरों की पोल खुली. सभी जानते हैं कि सुबह 6 के बाद और रात 9:30 तक शहर में नो एंट्री होती है. सभी ये भी जानते हैं कि नो एंट्री के बावजूद शहर के सड़कों पर दिन भर भारी वाहन और ट्रकों की आवाजाही रहती है. फिर नो एंट्री किस काम की? तो जवाब है, ये नो एंट्री पुलिस अधिकारियों के काम की है. नो एंट्री में एंट्री की सौदेबाजी ये आला अफसर करते हैं, यही महकमे की सच्चाई है, जिसके जीते जागते प्रमाण आए दिन शहर के सड़कों पर मिल जाते हैं. मनपा के उदासीनता पर भी इस हफ्ते में ध्यान खींचा गया. मनपा महकमे के उदासीनता के चलते शहर का माहौल गंदगी के साए में है. आवारा पशुओं का उत्पात राह का रोड़ा बन गया है. फिर भी मनपा महकमे की नींद नहीं खुल रही. शुक्रवार दिनांक 12 जुलाई की सुर्खियां थी विभिन्न आंदोलन. अपंग संगठन, शिक्षक, पालक
भोपे समाज संगठन, कर्मचारी संगठन आदि संगठनाएं शुक्रवार को आंदोलनात्मक तेवर में थे। अपनी अपनी मांगों का निवेदन सौंप यह तमाम समस्याएं हल कराने की गुहार जिलाधीश के माध्यम से लगाई गई है। मारकंडा के मूर्ति विटंबना का विवाद भी शुक्रवार पर हावी रहा। फिलहाल मारकंडा गांव में तनावपूर्ण शांति है और पुनः मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब बात सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन शनिवार 13 जुलाई के सुर्खियों के। शनिवार को बॉलीवुड के प्राण अनंत में विलीन हो गए। दमदार अभिनय के लिए सुपरिचित दादा साहेब फाल्के इस सर्वोत्कृष्ट सम्मान से सम्मानित प्राण साहब का शुक्रवार की शाम निधन हो गया और शनिवार की दोपहर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। बॉलीवुड और प्राण साहब के चाहने वाले सभी को इस निधन वार्ता से आहत पहुंची है। इस वर्ष प्लास्टर से बनी मूर्तियां नहीं चलेंगी, ऐसा फरमान पुलिस ने निकाला है, पर शहर में धड़ल्ले से पीओपी की मूर्तियां बन रही हैं। प्लास्टर की हजारों मूर्तियां बन गई है और हजारों तैयार भी हो रही हैं। बारिश ने भी खतरे की घंटा बजा दी है। मौसम विभाग के अनुमान पर खरी उतरी बारिश पूरे यौवन पर बरस रही है। तालाब लबालब हो रहे हैं, उसी तरह खतरे के बादल भी मंडरा रहे हैं। मनपा समय पर इस पर ध्यान दे ऐसी मांग शहरवासियों की ओर से की जा रही है। इसी शनिवार से पंढरपुर यात्रा स्पेशल ट्रेन दौड़ना शुरू हो गई। नया अमरावती रेल स्थानक से पंढरपुर तक अप डाउन सेवा का तोहफा रेल विभाग ने पंढरपुर के वारकरियों को दिया है। इसकी शुरुआत इस शनिवार से हो गई थी। ऐसा हाल इस बीते सप्ताह भर का था। कईयों घटनाएं इस सप्ताह में ऐसी घटी कि जिसकी समीक्षा करना सभी के लिए जरूरी हो गया है। राजनेता, जनप्रतिनिधि, पुलिस महकमा, आरोग्य विभाग, मनपा प्रशासन, सभी के कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान दागे जा रहे होने से सुधार की मांग भी संयुक्तिक है ही। तो ये थी बीते सप्ताह को आईना दिखाता साप्ताहिक बुलेटिन साप्ताहिकी। अंत में फिर एक बार एक नजर साप्ताहिकी के हेडलाइंस पर। कांग्रेसियों की हास्यास्पद करतूत एसीबी, बोधगया बम ब्लास्ट और उत्तराखंड की विपदा भुलाकर मनाया जंगी जश्न। जिस जीत में इनकी भागीदारी ही नहीं उसका मनाया जश्न। हाल स्थिति को किया अनदेखा। आरएसएस की राष्ट्रीय मंथन बैठक चल रही शहर में, गोपनीय रखी जा रही है बैठक। राम मंदिर, मोदी समेत कई मुद्दे पर हो रही है मंथन। पांच हो गई मोर्शी सिलेंडर ब्लास्ट कांड में मृतकों की संख्या। अवैध रिफिलिंग को सुरक्षा दे रहा है पुलिस महकमा। दोषियों पर नहीं हो रही कार्रवाई। शुरू हो गया इबादत का महीना रमजान। पहला जुमा भी हुआ पूरा, रोजे रख इबादत में लगा मुस्लिम समुदाय। जागतिक जनसंख्या दिवस पर निकली थी भव्य रैली। जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ रहा भारत, पहुंचेगा विश्व के नंबर एक पर। शहर में नो एंट्री की धज्जियां उड़ा रहे ट्रक वाले। दिन भर शहर में दौड़ते हैं ट्रक, नो एंट्री में एंट्री की वरिष्ठ स्तर पर हो रही है सौदेबाजी। अब लेडीज टॉयलेट का मुद्दा गूंजेगा विधान परिषद में। कईयों ने आरोपों के कटघरे में खड़ा किया मनपा को, भारी भ्रष्टाचार का लगा आरोप। इस वर्ष भी धड़ल्ले से बन रही है पीओपी की मूर्तियां। पुलिस के निर्देश गए हवा में, पीओपी की हजारों मूर्तियां बनकर है तैयार। पंढरपुर यात्रा पर रवाना हुई विशेष ट्रेन। नया अमरावती से पंढरपुर अप डाउन करेगी यात्रा स्पेशल ट्रेन। बारिश ने बजा दी खतरे की घंटा। तालाब है छलकने को बेताब। फिर घुसेगा शहर के बस्तियों में पानी। शहरवासियों को दी जा रही है सतर्कता की सलाह। चलिए अब लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे नए सप्ताह की समीक्षा करने। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। जय हिंद।